हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास सेवंथ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। तो दोस्तों कैसे रीजनल कल्चर्स जो है इंडिया में डेवलप हुए थे उनको समझेंगे इस चैप्टर में। ऑलरेडी हम 8 चैप्टर कवर कर चुके हैं क्लास सेवंथ हिस्ट्री के, अगर आपने वो नहीं देखे तो जरूर जाकर देखिए। मेरा नाम है निरंकार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो मैं आपको कल्चर का मीनिंग बता देता हूँ। कल्चर का मतलब होता है दोस्तों, जैसे लैंग्वेज हो गया कल्चर होता है, फूड हो गया कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया, जो भी हमारे वो भी कल्चर का पार्ट होते हैं। तो कल्चर दोस्तों जो भी आउटवर्ड थिंग होती है दोस्तों इंसानों के, उसको कहते हैं कल्चर। कल्चर में दोस्तों याद रखिए फूड, ट्रेडिशन, पहनावा, कपड़े वगैरह, ये सब कुछ इंक्लूड करा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इट इज क्वाइट कॉमन फॉर अस टू आइडेंटिफाई अ रीजन विद इट्स लैंग्वेज। हम दोस्तों आपको पता है भारत में किसी भी जगह को, किसी भी रीजन को, किसी भी क्षेत्र को उसकी भाषा से पहचानते हैं। जैसे तमिलनाडु वाले लोगों को तमिल क्यों कहा जाता है, तमिलनाडु, क्योंकि वहां पे तमिल बोली जाती है, इसीलिए उस जगह का नाम क्या रख दिया है, तमिलनाडु, ठीक है। ऐसे ही बंगाल में रहने वाले के पर्सन को क्या कहा जाता है, बंगाली कहा जाता है, क्योंकि वहां पे बंगाली स्पीकिंग लोग रहते हैं। इसलिए अगर कर्नाटका में चले जाएं, कर्नाटका जो राज्य है वहां पे कन्नड़ भाषा बोली जाती है, इसीलिए हमने उसका नाम कर्नाटका रख दिया है। तो दोस्तों किसी भी क्षेत्र की जो आइडेंटिटी होती है वो भाषा पर निर्भर होती है, ठीक है। एवरी रीजन इज आइडेंटिफाइड विद अ सर्टेन डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ फूड, है ना। हमारे भारत का अगर कोई भी इलाका देखा जाए तो वहां पे अलग अलग प्रकार का फूड पाया जाता है, यानी खाना पाया जाता है, अलग अलग तरीके के क्लोथ यानी कपड़े देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह की पोएट्री देखने को मिलती है, डांस देखने को मिलता है। पंजाब चले जाइए वहां पे भांगड़ा मिलेगा, गुजरात में चले जाइए वहां पे गरबा मिलेगा, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे डांस भी अलग अलग होता है, पेंटिंग भी दोस्तों अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। म्यूजिक तो आपको पता है बंगाली म्यूजिक है, बॉलीवुड म्यूजिक है, अलग अलग तरीके के जो म्यूजिक है वो पाए जाते हैं भारत में दोस्तों, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ज्यादातर जो इलाके हैं हमारे भारत के, वहां पे भारत का जो कल्चर है क्षेत्रों के हिसाब से काफी अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। यही सब चीजें आती है कल्चर में, क्या क्या आता है, फूड आता है, क्लोथिंग आता है, पोएट्री आती है, डांस आता है, पेंटिंग, म्यूजिक, ये सब कुछ दोस्तों कल्चर का ही पार्ट है। लैंग्वेज इज क्वाइट क्लोजली कनेक्टेड टू अ रीजन, ये तो मैंने बता ही दिया है। किसी भी क्षेत्र की जो भाषा है वो अलग अलग होती है दोस्तों, ठीक है। तो हम भारत में ज्यादातर हिस्सों को भाषा के हिसाब से पहचानते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, जो मणिपुर राज्य है वहां पे मणिपुरी भाषा बोली जाती है, इसीलिए उसको मणिपुर रख दिया नाम। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया, आप समझते हैं। सबसे पहले द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। तो दोस्तों आपको पता है हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि चेरा जो अंपायर है वो रूल करता था भारत के साउथ इंडिया में, ठीक है, कहाँ पे, केरला राज्य में। और इन्हीं लोगों ने, चेराज ने ही दोस्तों मलयालम जो भाषा है इसको डेवलप करने में काफी अपना योगदान दिया था। मलयालम भाषा जो है चेरा जो साम्राज्य था इन्होंने ही डेवलप करी थी दोस्तों। द चेरा किंगडम ऑफ महोदयापुरम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द 9th सेंचुरी। हमें पता है जो चेरा का किंगडम है, राज्य है, ये 9th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों। कहां पर, केरला में दोस्तों, है ना, साउथ वेस्टर्न जो पार्ट है केरला, यहाँ पे स्थापित हुआ था। इन्हीं रूलर्स ने दोस्तों, चेरा रूलर्स ने ही इंट्रोड्यूस करा मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। मलयालम की जो लैंग्वेज है और जो इसकी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मतलब होता है जिसमें लिखा जाता है, इन्होंने मलयालम लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करा किसमें, अपने इंस्क्रिप्शन में। जो भी ये लोग इंस्क्रिप्शन लिखते थे उसमें मलयालम का लैंग्वेज का और उसका स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है दोस्तों। In fact, this is one of the earliest example of use of regional language in official record in subcontinent. तो दोस्तों मलयालम जो थी पहले एक regional language थी, यानी बहुत ही छोटे क्षेत्र में बोली जाती थी, लेकिन जब चेरा एम्पायर आया तो इन लोगों ने जो मलयालम भाषा है इसको अपने inscriptions में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और हमें ऐसा मतलब सबूत मिलता है कि जो मलयालम लैंग्वेज है ये एक तरीके की पहली लैंग्वेज है, बहुत ही, जो कि एक रीजनल लैंग्वेज से एक तरीके के बड़े लेवल पे लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा दोस्तों, ठीक है। पहले बहुत ही छोटे लेवल पे बोली जाती थी लेकिन इसे बाद में ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी इस्तेमाल करा जाने लगा, ठीक है। एट द सेम टाइम द चेराज ऑल्सो ड्रू अपॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने मलयालम का इस्तेमाल तो करा ही करा, चेरा के साम्राज्य ने या राजाओं ने,
इसके अलावा इन लोगों ने संस्कृत की सांस्कृतिक जो ट्रेडिशन है उसको भी फॉलो करा दोस्तों, यानी संस्कृत जो लैंग्वेज है इसका भी इस्तेमाल इन्होंने करा, ठीक है। द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला व्हिच इज ट्रेस्ड टू दिस पीरियड बोर स्टोरीज फ्रॉम सांस्कृतिक एपिक। तो दोस्तों जो टेम्पल थिएटर है केरला के, इनमें हमें दिखता है दोस्तों सांस्कृतिक एपिक की जो स्टोरीज हैं वो भी बोरो करी गई हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि चेरा जो साम्राज्य था, किंगडम था, इन लोगों ने मलयालम लैंग्वेज को डेवलप करा ही करा, इसके अलावा ये संस्कृत भाषा का भी काफी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क्स इन मलयालम डेटेड टू अबाउट 12th सेंचुरी आर डायरेक्टली इंडेप्टेड टू संस्कृत। तो दोस्तों जो पहला लिटरेरी वर्क है मलयालम भाषा में जो कि लगभग 12वीं सेंचुरी में लिखा गया था, ये दोस्तों डायरेक्टली इंडेप्टेड है टू संस्कृत, यानी संस्कृत से ही थोड़ा सा इसको इसने क्या लिया है, मदद ली है दोस्तों, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, तो याद रखिए आर डायरेक्टली इंडेप्टेड टू संस्कृत। अ 14th सेंचुरी टेक्स्ट द लीला तिलकम डीलिंग विद द ग्रामर एंड पोएटिक्स वॉज कंपोज्ड इन मनी प्रबलम। इसका मतलब होता है डायमंड्स और कोरस, और डायमंड्स और कोरस का मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों, डायमंड्स मतलब है दोस्तों संस्कृत भाषा और कोरस मतलब होता है रीजनल लैंग्वेज कह लीजिए मलयालम। तो याद रखिए 14th सेंचुरी में एक टेक्स्ट लिखा गया था जिसका नाम था लीला तिलकम। क्या लीला तिलकम लाकम, जो कि डील करता है किससे, ग्रामर और पोएटिक से डील करता है, ये दो भाषाओं के मिक्सचर से लिखा गया था जिसका नाम है संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज जो कि मलयालम थी दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, ये आप देख सकते हैं एक अर्ली केरला इंस्क्रिप्शन है जो कि कंपोज्ड है किसमें, मलयालम में कंपोज्ड है, ये मलयालम भाषा है। समझ में आया आपको कि कैसे चेराज एम्पायर ने मलयालम भाषा को डेवलप करा। अब समझते हैं रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस द जगन्नाथ कल्ट। तो दोस्तों कैसे राजाओं ने रिलीजियस ट्रेडिशंस का इस्तेमाल करा था दोस्तों और जगन्नाथ कल्ट का डेवलपमेंट करा, ठीक है। इन अदर रीजियंस रीजनल कल्चर ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन। तो दोस्तों भारत में बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र थे, ऐसे भी जगहें थी जहां पे जो कल्चर है, यहाँ जहां पे ट्रेडिशन है वो धर्म के आसपास जो है डेवलप हुआ, ठीक है। द कल्ट ऑफ जगन्नाथ लिटरली लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड अ नेम फॉर विष्णु। याद रखिए आपको पता है जगन्नाथ जो भगवान है उनका वो एक्चुअली माना जाता है कि वो विष्णु के ही अवतार हैं और इनको द लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है जगन्नाथ भगवान को। और आपको पता है जगन्नाथ की जो बहुत बड़ा टेंपल है वो ओडिशा के पुरी में पाया जाता है, ओडिशा में एक जगह है पुरी। तो यहाँ पे जो है जगन्नाथ भगवान के इर्द गिर्द दोस्तों बहुत ही बड़ा रिलीजियस जो है ट्रेडिशंस डेवलप होते हैं, कहाँ पे, ओडिशा में। टू डेट द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डाइटी विच सजेस्ट दैट द डाइटी वॉज ओरिजिनली अ लोकल गॉड हु वॉज लेटर आइडेंटिफाइड विद विष्णु। तो दोस्तों आज भी अगर हम ओडिशा के इस पूरी जगह में चले जाएं तो आज भी लोग यहाँ जो जगन्नाथ की मूर्ति है वो लकड़ियों से बनाते हैं, जो कि हमें सजेस्ट करता है, जो कि हमें बताता है कि जो जगन्नाथ जो गॉड थे वो पहले लोकल गॉड थे, याद रखिए वो एक लोकल गॉड थे लेकिन बाद में इनको विष्णु बना दिया गया था दोस्तों, ठीक है। याद रखिए जगन्नाथ जो गॉड हैं वो बहुत ही पहले लोकल गॉड थे लेकिन धीरे धीरे उनकी आस्था इतनी बढ़ती रही लोगों में कि उन लोगों ने जगन्नाथ गॉड को एक बड़े लेवल का गॉड बना दिया, यानी विष्णु का रूप बना दिया था, ठीक है। अगर 12वीं सेंचुरी में जाएं दोस्तों, इन द 12th सेंचुरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द गंगा डायनेस्टी जिनका नाम था अनंत वर्मन, इन्होंने डिसाइड करा टू इरेक्ट अ टेंपल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। तो याद रखिए 12वीं सेंचुरी में एक राजा आए गंगा डायनेस्टी के, यहाँ पे गंगा डायनेस्टी रूल कर रही थी और इसी के राजा थे जिनका नाम था अनंत वर्मन, इन्होंने डिसाइड करा कि जगन्नाथ के लिए, जगन्नाथ जो भगवान है इनके लिए ये जो है एक पुरी में टेम्पल बनवाएंगे, ठीक है। ऐसा ही हुआ दोस्तों 1230 में, याद रखिए 1230 में जब किंग अनंग भीमा थर्ड आए 1230 में, इन्होंने डेडिकेट करा, इसके अलावा दोस्तों इन्होंने डेडिकेट करा अपना किंगडम टू द डाइटी एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डिप्टी ऑफ द गॉड। याद रखिए 1230 में एक राजा आए थे जिनका नाम था अनंग भीमा थर्ड, इन्होंने अपना जो साम्राज्य था, अपना जो किंगडम था उसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये जो मेरा किंगडम है जगन्नाथ भगवान के लिए, किसके लिए, जगन्नाथ भगवान के लिए है और मैं इन जगन्नाथ भगवान का क्या हूँ, डिप्टी हूँ।
ठीक है दोस्तों। अब क्यों ये लोग जो है राजा का सहारा ले रहे हैं जगन्नाथ का, क्योंकि भाई सारे लोग जो है जगन्नाथ की वर्शिप करते हैं। अब जगन्नाथ की वर्शिप करेंगे तो भाई अगर आप जगन्नाथ का बोल दो कि मैं जगन्नाथ का डिप्टी हूं तो लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया। 12वीं सेंचुरी में यहाँ पे क्या कहते हैं जगन्नाथ का टेंपल बन गया, मैंने बता दिया गंगा डायनेस्टी के अनंत वर्मन ने बनाया। और उसके बाद 1230 में जब राजा आने लगे अनंग भीमा, इन लोगों भी बोलने लगे कि भाई हम लोग जो है जगन्नाथ के डिप्टी हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे टेम्पल जो है इंपोर्टेंस गेन करने लगा पिलग्रिमेज के रूप में, है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है विजिट करने आने लगे जगन्नाथ के रूप टेम्पल के पास। तो दोस्तों हुआ क्या, जो जगन्नाथ की जो या कह लीजिए जगन्नाथ का टेम्पल का जो सोशल अथॉरिटी है और पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगी। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी बंदा जगन्नाथ टेम्पल को या जगन्नाथ भगवान को ज्यादा आस्था रखता होगा उसकी लोग जो है बहुत ही ज्यादा समाज रूप से रिस्पेक्ट करेंगे और उसको पॉलिटिकल तरीके से भी मदद करेंगे, यानी राजा बनाने में भी उसको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों। ठीक है, बाद में दोस्तों जिन जिन राजाओं ने इस ओडिशा राज्य को जीता था, ओडिशा में ही दोस्तों आपको पता जगन्नाथ टेम्पल है, बाद में जिन जिन राजाओं ने इस ओडिशा राज्य को जीता था, जैसे कि मुगल्स हो गए, मुगल्स ने भी जीता था, मराठास ने भी जीता था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जीता था, तो दोस्तों इन सब लोगों ने कोशिश करा कि अपना जो कंट्रोल है इस जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर बना के रखें। क्यों? क्योंकि जितना ये लोग अपना कंट्रोल बना के रखेंगे इस जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर उतना ही लोग इनकी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और लोग आसानी से जो है इनको रूल करने देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप टेम्पल की इज्जत करोगे तो लोग भी जो है आपकी इज्जत करेंगे, आपके खिलाफ भड़केंगे नहीं। तो सारे राजाओं ने यही टेक्निक्स अपनाई। आप देख सकते हैं यह है जगन्नाथ टेम्पल पुरी का, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जगन्नाथ की जो मूर्ति वगैरह है पहले बनाई जाती थी दोस्तों, ठीक है, पाम लीफ पर। ठीक है, अब समझते हैं द राजपूत्स एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। तो दोस्तों अब राजपूत के बारे में भी जानते हैं, थोड़ा राजस्थान घूम के आते हैं और राजस्थान में ही आपको राजपूत मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, 19वीं सेंचुरी में दोस्तों, इन द 19th सेंचुरी द रीजन दैट कंस्टिट्यूट मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान वॉज कॉल्ड राजपूताना बाय ब्रिटिश। याद रखिये 19वीं शताब्दी में आज का जो राजस्थान है इसको अंग्रेज लोग जो है राजपूताना बुलाते थे। ठीक है, आप दोस्तों ये मत समझिए कि राजस्थान में सिर्फ राजपूत रहते थे, नहीं नहीं, कुछ और भी तरीके के लोग रहते थे यहाँ राजस्थान में, राजपूत के अलावा भी बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन ज्यादातर जो फेमस थे राजस्थान के वो राजपूत ही थे। ठीक है, अगर 8वीं सेंचुरी से देखा जाए दोस्तों, फ्रॉम अबाउट द 8th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान वॉज रूल्ड बाय वेरियस राजपूत फैमिलीज। 8वीं शताब्दी से लेके दोस्तों आज तक, आज का तक का टाइम देखा जाए राजस्थान का दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे राजपूत परिवार जो है रूल करते थे दोस्तों। आपको पता है हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान के बारे में, वो भी यही राजस्थान के राजपूत वंश से ही आते थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो रूलर्स थे राजपूत, जो रूलर्स थे राजा जो थे, ये लोग दोस्तों एक तरीके के आइडियल हीरो बन जाते थे लोगों की नजरों में। ठीक है, क्यों हीरो बन जाते थे, क्योंकि राजपूत लोग जो थे अपने वैलियंटली के लिए यानी अपनी वीरता के लिए, और जब भी लड़ाई वड़ाई होती थी दोस्तों ये राजपूत लोग जो होते थे बैटलफील्ड में यानी युद्ध करते समय मरना पसंद करते थे बल्कि हार जाने से बेहतर। ठीक है दोस्तों, तो हारना पसंद नहीं करते थे राजपूत लोग, वो लोग मर जाना पसंद करते थे, इसीलिए काफी लोग जो है इनको हीरो मानते थे इनकी इसी वीरता के लिए दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स। आप दोस्तों बहुत सारे राजपूत के जो हीरोज हैं यानी राजा हैं जो युद्ध में मारे गए थे, जो अपनी जान खो बैठे, उनको लेकर दोस्तों बहुत सारी पोएम्स लिखी गई हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स भी लिखे गए हैं जिन्हें बाद में रिसाइट भी करा जाता था दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों दीज प्रिजर्व्ड द मेमोरीज ऑफ हीरोज वर एक्सपेक्टेड टू इंस्पायर अदर्स टू फॉलो देयर एग्जाम्पल। और यही जो दोस्तों स्टोरी बनी, पोएम्स बनी, सॉन्ग्स बने राजपूत हीरो को लेकर, यही जो पोएम्स हैं, यही स्टोरीज जो हैं, बाद में कई लोगों को दोस्तों इंस्पायर करती थी एग्जाम्पल के तौर पर। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, आज भी पृथ्वीराज चौहान को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, क्यों, उनकी वीरता को लेकर। ठीक है, तो आज भी बहुत सारे लोग जो है समझ रहे हैं कि उनकी स्टोरी को फॉलो करते हैं क्योंकि वो इतने वीर पर्सन थे दोस्तों। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय दी स्टोरीज, है ना, ये जो राजपूत को लेकर स्टोरीज लिखी गई थी इनको लेकर दोस्तों जो आम इंसान था वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा इन स्टोरीज के प्रति। ठीक है, विच ऑफन डिपेक्टेड ड्रामेटिक सिचुएशन एंड रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वेलर, एंगर एक्सेट्रा।
तो दोस्तों ये जो स्टोरी लिखी जाती थी राजपूत राजाओं को लेकर, इनमें सब कुछ होता था दोस्तों, हर तरीके के इमोशंस होते थे, जैसे लॉयलिटी, फ्रेंडशिप, लव, वेलर, एंगर, ये सारे के सारे इमोशंस होते थे दोस्तों इनकी स्टोरीज में। इसीलिए जो आम लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा इंस्पायर होते थे। इसके अलावा दोस्तों राजपूत की जो वुमेन थी, राजपूत में जो औरतें थी दोस्तों, उनको एक दोस्तों आइडेंटिफाई कराया जाता था कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट, यानी लड़ाई की जड़। याद रखिए, औरतों को राजपूत घराने में लड़ाई की जड़ माना जाता था। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैन जो होते थे, इंसान जो होते थे, आदमी जो होते थे, मैन फॉट विद द वन अनदर टू ईदर विन और प्रोटेक्ट वुमेन, है ना। जो आदमी है एक दूसरे से लड़ता था, या तो औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए या औरत को जीतने के लिए। इसीलिए राजपूत घराने में औरत को लड़ाई की जड़ माना जाता था, ठीक है। वुमेन आर ऑल्सो डिपेक्टेड एज फॉलोइंग देयर हीरोइक हस्बैंड्स इन बोथ लाइफ एंड डेथ। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता था वुमेन को, यानी औरतों को जो है हीरो के रूप में भी दर्शाया जाता था। क्यों? क्योंकि कभी कभार जो होता था, जो औरतें होती थी अपने हस्बैंड के साथ जीती भी थी और अपने हस्बैंड के साथ मर भी जाती थी। ऐसा ही एक, आपको पता है, एक प्रैक्टिस थी जिसका नाम था सती, है ना। सती में क्या होता था, हस्बैंड को जला दिया जाता था। और उस टाइम पे दोस्तों जितनी भी राजपूत की क्या कहते हैं औरतें होती थी, वो क्या कोशिश करती थी, वो अपने पति के साथ, अगर उनका पति मर जाता था तो वो भी अपने आप को चिता पर जला लेती थी दोस्तों, ठीक है। इसीलिए कभी कभार औरतों को हीरो के रूप में भी दर्शाया गया है। अगर आपने दोस्तों पद्मावत मूवी देखी है, उसमें भी दोस्तों जो पद्मावत जो रानी है, वो अपने आप को किसमें, आग में जला लेती है। तो इसीलिए कई बार जो है राजपूत की जो औरतों को है हीरो के तौर पर भी दिखाया गया है। सो दोज हु फॉलोड द हीरोइक आइडियल ऑफन हैड टू पे फॉर इट विद देयर लाइफ। तो दोस्तों इसीलिए राजपूत जो है हीरो यूं ही नहीं बन गए, लोग इन्हें हीरो यूं ही नहीं मानते। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन्होंने हीरो इसलिए बने हैं राजपूत लोग, क्योंकि इन लोगों ने अपनी जो है जान गंवाई है। इसीलिए लोग जो है इनको देखकर सीखते हैं, इनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं यह है राजस्थान, जोधपुर, मेवाड़, यहाँ पे दोस्तों सारा का सारा जो इलाका है यहीं पे राजपूत वंश जो है रूल करते थे। यहाँ नीचे देख सकते हैं यह है केरला, और यहीं पे मैंने अभी बताया था चेरा साम्राज्य जो है वो रूल करता था, ठीक है। अब समझते हैं बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। दोस्तों अब रीजनल फ्रंटियर्स के थोड़ा आगे जाते हैं और समझते हैं कथक की स्टोरी। कथक आपको पता है कुछ नहीं है, एक डांस फॉर्म है, एक तरीके का डांस फॉर्म है जिसके जरिए स्टोरीज बताई जाती हैं। नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ज्यादा फेमस है कथक, ठीक है। इफ हीरोइक ट्रेडिशन कैन बी फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, द सेम इज ट्रू फॉर डांस। वन सच डांस वॉज कथक विच इवॉल्व इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो दोस्तों हमने देख लिया कि भाई हीरोइक ट्रेडिशंस कैसे राजस्थान में डेवलप हुए, लेकिन ट्रेडिशंस मैंने, हम इस चैप्टर का नाम है दोस्तों कल्चर ऑफ इंडिया कैसे इवॉल्व हुए। तो दोस्तों कल्चर में जो है डांस भी आता है। तो दोस्तों डांस जो है, जो कथक का डांस है, ये नॉर्थ इंडिया में इवॉल्व हुआ, यानी जन्म हुआ इसका, किसका, कथक डांस का। दोस्तों जो कथक शब्द है इसका, जो कथक शब्द है ये लिया गया है कथा से। किससे लिया गया है? कथा। आपने कथा शब्द सुना होगा दोस्तों, जो कि संस्कृत शब्द है, ठीक है दोस्तों। और कथा का मतलब होता है कि लैंग्वेज फॉर स्टोरी, है ना, ठीक है। तो सिंपल भाषा में कहें तो कथक का मतलब होता है कि स्टोरी बताने का एक तरीका। क्या? स्टोरी बताने का एक तरीका। द कथक्स वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो अगर कथक के बारे में बात करी जाए तो कथक लोग जो है एक कास्ट थी दोस्तों, ठीक है, एक कास्ट थी, एक जाति थी शुरुआत में दोस्तों, जो कि टेंपल में जाके, नॉर्थ इंडिया के जितने भी टेंपल होते थे वहां पर जाके स्टोरीज बताया करते थे। तो एक तरीके की जो कथक है वो शुरुआत में कास्ट थी, ठीक है। हु एम्बलिश्ड देयर परफॉर्मेंस विद गेस्चर एंड सॉन्ग्स। तो दोस्तों यही जो कथक लोग होते थे, ये स्टोरी बताते थे बहुत ही गेस्चर कर करके दोस्तों, बहुत ही सारे सॉन्ग्स गा गा के और शरीर में बहुत सारे पोजिशन बना बना के जो है स्टोरीज बताते थे। कथक बिगेन इवॉल्विंग इन टू डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस इन द 15th-16th सेंचुरी। और बाद में दोस्तों ये कथक जो है धीरे धीरे क्या हुआ, अलग तरीके के डांस के रूप में उभर कर आने लगा, ठीक है। पहले शुरुआत में तो दोस्तों देखिए ना, कथक क्या है, शुरुआत में जो है स्टोरी बताते थे जाके टेम्पल में जाके, लेकिन धीरे धीरे जो कथक है डांस के रूप में उभर कर आने लगा 15th से लेकर 16th सेंचुरी में। और आपको पता है भक्ति मूवमेंट जब चला था उस टाइम पे, भक्ति मूवमेंट के दौरान दोस्तों कथक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, ठीक है। द लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा वर इनेक्टेड इन फोक प्लेस कॉल्ड
रास लीला विच कंबाइंड फोक डांस विद द बेसिक गेस्चर ऑफ कथक स्टोरी टेलर्स। और आपको पता है जो लेजेंड्स हैं राधा कृष्णा, इनके दोस्तों बहुत सारे फोक प्लेज होते हैं। आज भी अब जब भी जन्माष्टमी वगैरह होती है तो वहां पे दोस्तों राधा कृष्ण का जो है रासलीला कराई जाती है, और उसमें दोस्तों आज भी जब रासलीला होती है उसमें दोस्तों बहुत सारे जो गेस्चर हैं वो कथक स्टोरी से ही इंस्पायर हैं। दोस्तों जो कथक स्टोरी टेलर्स हैं उनसे ही बहुत सारे जो गेस्चर हैं इंस्पायर्ड हैं, ठीक है। अंडर द मुगल एम्परर्स एंड देयर नोबल्स कथक वॉज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट। तो दोस्तों जब मुगल वंश का रूल आता है तो जो कथक है इनके कोर्ट में परफॉर्म करा जाता है। Where it acquired its present feature and developed into form of dance with a distinctive style. और दोस्तों मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही जो कथक है एक बहुत ही अलग स्टाइल का डांस उभर कर निकल कर आता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं डांस क्लासेस चल रही है, ये देखिए लक्ष्मणा टेम्पल खजुराहो में। खजुराहो आपको पता है ना कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, वहीं पे एक टेम्पल है लक्ष्मण टेम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है डांस की क्लासेस चल रही है। आप समझते हैं दोस्तों हुआ क्या, धीरे धीरे इट डेवलप्ड इनटू टू ट्रेडिशंस घरानास। तो दोस्तों जो कथक है दो घरानास में बट गया, ठीक है। वन इन द कोर्ट्स ऑफ राजस्थान, एक जो है दोस्तों कथक का जो घराना है वो राजस्थान जयपुर घराना कहा जाता है, और दूसरा जो है लखनऊ घराना कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कथक के दो घराना है जयपुर और लखनऊ घराना, ठीक है। अंडर द पैट्रनेज ऑफ वाजिद अली शाह द लास्ट नवाब ऑफ अवध इट ग्रू इनटू मेजर आर्ट फॉर्म। तो दोस्तों लखनऊ घराना में ही बाद में दोस्तों वाजिद अली आते हैं और इन्होंने पेट्रोनेज दी किसको, इसी कथक डांस को, और इसी में दोस्तों इन्होंने जब पेट्रोनेज दी कथक डांस को तो बाद में यही जो कथक जो है एक मेजर आर्ट फॉर्म में उभर कर आता है। याद रखिए वाजिद अली जो है नवाब थे किसके, अवध के, इनके अंतर्गत दोस्तों जो है कथक का बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट होता है। बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी इट वॉज फर्मली एंट्रेंच्ड एज डांस फॉर्म नॉट ओनली इन these two regions but in the adjoining areas of present day Punjab, Haryana, Jammu Kashmir, Bihar, Madhya Pradesh. तो दोस्तों धीरे धीरे हुआ क्या, 1930 तक आते आते, याद रखिए 1930 तक आते आते जो कथक है पहले तो दो ही इलाकों में फैला हुआ था, किसमें, राजस्थान और यूपी में, लेकिन अब जो है कथक हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश इलाकों में भी फैलने लगा, ठीक है। एम्फेसिस वॉज लेड ऑन इंट्रिकेट एंड रेपिड फुटवर्क एलोबरेट कॉस्ट्यूम एज वेल एज ऑन द इनेक्टमेंट ऑफ स्टोरीज। तो अब क्या हुआ दोस्तों, अब जो है ज्यादा एम्फेसिस लेकर जाने लगा दोस्तों फुटवर्क पे, है ना, पैरों पे बहुत ज्यादा, है ना। अगर आपने कथक का डांस देखा तो पैरों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी कॉस्ट्यूम्स भी पहनते हैं कथक के डांस पे। तो धीरे धीरे, कहने का मतलब क्या, शुरुआत में जो है कथक ऐसे सिंपली कर लेते होंगे बिना कॉस्ट्यूम वगैरह पहने, लेकिन अब धीरे धीरे अच्छे से पैरों की मूवमेंट पे भी ध्यान दिया जाने लगा और कॉस्ट्यूम वगैरह पे भी अच्छे से ध्यान दिया जाने लगा, ठीक है। कथक लाइक सेवरल अदर कल्चर प्रैक्टिसेस वाज व्यूड विद डिसफेवर बाय मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर इन द 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। दोस्तों लेकिन अंग्रेजों को जो कथक का जो कल्चर है, कथक का जो डांस है वो पसंद नहीं आता था, तो इसीलिए दोस्तों जो है ये अंग्रेज लोग जो है डिसफेवर करते थे कथक डांस को, यानी पसंद इतना नहीं करते थे, इसीलिए दोस्तों इनके कार्यकाल में, अंग्रेजों के कार्यकाल में जो है ये कथक इतना अच्छे से डेवलप भी नहीं हो पाया। मतलब डेवलप तो था लेकिन इन लोगों ने इतना सपोर्ट नहीं करा, लेकिन दोस्तों सपोर्ट नहीं करा अंग्रेजों ने, लेकिन फिर भी कथक जो है सर्वाइव कर गया दोस्तों, है ना। ये जिंदा रहा कथक जो डांस है वो जिंदा रहा और कंटिन्यू रहा, लोग जो है इसको परफॉर्म करते रहे दोस्तों, ठीक है। राजाओं के दरबार में बाद में भी जितने भी छोटे मोटे राजा बचे थे उनके दरबार में परफॉर्म होता रहा, भले अंग्रेज नहीं पसंद करते थे। एंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ सिक्स क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। और दोस्तों जैसे हमारा भारत का भारत जो है आजाद हो गया, उसके बाद भारत सरकार ने भारत के, आपको पता है 6 क्लासिकल डांस है, टोटल कितने क्लासिकल डांस है, 6। तो भारत सरकार ने कथक को भी इन्हीं 6 क्लासिकल डांस में इंक्लूड करा था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से क्लासिकल डांस है, एक है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में करा जाता है, कथकली जो है केरला में करा जाता है, ओडिशी जो है डांस ओडिशा में करा जाता है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश में करा जाता है, और मणिपुरी ये मणिपुर में परफॉर्म करा जाता है, और एक है दोस्तों कथक जो कि यूपी वगैरह में परफॉर्म करा जाता है, ठीक है। पेंटिंग्स फॉर पेट्रोन्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। अब दोस्तों एक और कल्चर के बारे में समझते हैं, वो है पेंटिंग्स। किसके बारे में, पेंटिंग्स के बारे में समझते हैं।
ड्यूरिंग दिस पीरियड वन मोर ट्रेडिशन विच डिजर्व्स आवर अटेंशन इज द मिनिएचर पेंटिंग. मिनिएचर आर स्मॉल साइज पेंटिंग डन इन वॉटर कलर ऑन क्लोथ और पेपर. तो दोस्तों इसी दौरान एक मिनिएचर पेंटिंग भी डेवलप हुई. दोस्तों मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है? मिनिएचर मतलब होता है मिनी, मतलब होता है स्मॉल. मिनी मतलब क्या होता है? स्मॉल. तो स्मॉल साइज कपड़े पे या कुछ भी ले लीजिए दोस्तों, स्मॉल साइज शीट पर जो पेंटिंग करी जाती थी उसे मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है. और मिनिएचर पेंटिंग जो होता है स्मॉल साइज की होती थी, ये तो मैंने बता दिया दोस्तों. और ये करी जाती थी डन इन वॉटर कलर ऑन क्लोथ और पेपर. और ये वॉटर कलर के द्वारा करी जाती थी क्लोथ पे या पेपर पे, ये मैंने बता ही दिया. आप देख सकते हैं ये है मिनिएचर पेंटिंग. ये दोस्तों जो है अकबर रेस्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग हंट मुगल मिनिएचर. ये देखिए दोस्तों अकबर जो राजा है ये रेस्ट कर रहे हैं हंट करने के बाद, थोड़ा सा शिकार करने के बाद रेस्ट कर रहे हैं, तो ये मिनिएचर पेंटिंग बनाई गई है. द अर्लिएस्ट मिनिएचर वर ऑन पाम लीव्स. तो दोस्तों जो शुरुआती मिनिएचर पेंटिंग होती थी वो पाम लीव्स पर करी जाती थी या लकड़ी पर करी जाती थी. ठीक है. सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया. और बहुत सारी जो मिनिएचर पेंटिंग है ब्यूटीफुल वो वेस्टर्न इंडिया में पाई जाती थी दोस्तों. ठीक है. वर यूज टू इलस्ट्रेट जिमनास्टिक्स. और ये जो मिनिएचर पेंटिंग है वेस्टर्न इंडिया में जो पाई गई है इनका इस्तेमाल होता था क्या? जिमनास्टिक्स को इलस्ट्रेट करने के लिए यानी दर्शाने के लिए. ठीक है. मुगल एम्परर, मुगल के जो राजा थे अकबर जहांगीर शाहजहां, इन्होंने भी दोस्तों पेट्रोनाइज करा, मतलब अपने दरबार में जो मिनिएचर पेंटर होते थे उनको दोस्तों क्या करा? पेट्रोनाइज करा. ठीक है. दीज वर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर्स एंड पोर्ट्रेट कोर्ट सीन्स ऑफ बैटल और हंटिंग एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ. तो दोस्तों मुगल लोगों ने जो ये शाहजहां अकबर जहांगीर लोगों ने जो मिनिएचर पेंटिंग के पेंटर अपने दरबार में रखे थे, ये लोग जो है बैटल की पेंटिंग करते थे, शिकार करते थे उसकी पेंटिंग करते थे, और भी जो सोशल लाइफ है उनकी पेंटिंग करवाते थे ये मुगल राजा. ठीक है. ये देख भी सकते हैं, मैंने दिखाया ना ये अकबर ने पेंटिंग करवाई अपनी, देखो भाई मैं हंट कर रहा हूँ अब मैं बैठा हूँ, तो ये पेंटर से ही द्वारा करवाई गई है, ये मिनिएचर पेंटिंग है. With the decline of Mughal Empire, many painters moved out the court of emerging regional states. दोस्तों जैसे मुगल एम्पायर का जो है डिक्लाइन हो गया यानी खात्मा हो गया, तो जो मुगल दरबार में बहुत पेंटर्स थे, मिनिएचर वाले पेंटर्स थे, ये जो है यहाँ से निकल गए. और दोस्तों जो एमर्जिंग रीजनल स्टेट्स थे यानी छोटे छोटे जो राज्य उभर कर आ रहे थे मुगल के बाद, है ना, छोटे छोटे राज्य जो निकल कर आ रहे थे उनके राज्यों के अंदर में ये मिनिएचर पेंटर चले गए ताकि भाई अपनी कला को एटलीस्ट सजाए संजोरे रखें दोस्तों. ठीक है. एज द रिजल्ट मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस्ड द रीजनल कोर्ट्स ऑफ द डेक्कन एंड द राजपूत कोर्ट्स ऑफ द राजस्थान. तो दोस्तों ये जो पेंटर्स निकल कर गए तो इन्होंने क्या करा दोस्तों? इन्फ्लुएंस करा. किसका दोस्तों? इन्फ्लुएंस करा डेक्कन में जो दक्षिण भारत में जो पेंटिंग पेंटर्स वगैरह थे, राजपूत कोर्ट्स में, राजपूत कोर्ट यानी राजस्थान में जो पेंटर्स थे उनको दोस्तों अपनी आर्ट से क्या करा? इन्फ्लुएंस करा. ठीक है. पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड फॉलोइंग द मुगल एग्जांपल. तो दोस्तों राजपूत और दक्षिण भारत में भी दोस्तों कई राजा महाराजा जो है अपने कोर्ट के सीन्स जो है पेंट करवाने लग गए, जैसे ये मुगल के जो राजा हैं करवाते थे. ठीक है. इसके अलावा माइथोलॉजी की जो थीम्स होती थी, पोएट्री जो की थीम होती थी, ये भी दोस्तों जो है डिपिक्ट करी जाने लगी. ठीक है. इनकी भी पेंटिंग बनाई जाने लगी. माइथोलॉजी में आपको पता ना राधा कृष्ण राम भगवान ये सब जो है माइथोलॉजी चीजें हैं, तो इनकी भी जो है पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाने लगी. कहाँ कहाँ पर? मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, इन सारी जगहों पर मिनिएचर पेंटिंग का इस्तेमाल हुआ होने लगा दोस्तों. ठीक है. अनदर रीजन दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग वॉज द हिमालयन फुटहिल्स अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो हिमाचल प्रदेश में भी दोस्तों मिनिएचर पेंटिंग का काफी दबदबा फैला. बाय द लेट 17th सेंचुरी द रीजन हैड डेवलप्ड अ बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कॉल्ड बसोही. याद रखिए हिमाचल प्रदेश में मिनिएचर पेंटिंग का भी दबदबा फैला. कौन सी शताब्दी में? लेट 17th सेंचुरी में दोस्तों फैला. और यहाँ की जो मिनिएचर पेंटिंग है उनको बसोली बुलाया जाता है. याद रखिए बसोली बुलाया जाता है. ठीक है. द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हेयर वॉज बानु दत्तास रासा मंजारी. याद रखिए जो मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट है जिसको मिनिएचर पेंटिंग द्वारा पेंट करा वो है भानु दत्तास का, भानु दत्ता की जो थी रासा मंजारी. याद रखिए रासा मंजारी जो है इसको मिनिएचर पेंटिंग द्वारा पेंट करा गया. ठीक है. By the mid 18th century, the Kangra artist developed a style which breathed a new spirit into miniature painting. दोस्तों 18वीं शताब्दी तक आते आते कांगरा के जो आर्टिस्ट थे, कांगरा एक जगह है दोस्तों, इन लोगों ने अपना ही एक स्टाइल डेवलप करा मिनिएचर पेंटिंग का दोस्तों. ठीक है. याद रखिए
कांगड़ा आर्टिस्ट ने अपना ही स्टाइल डेवलप करा मिनिएचर पेंटिंग का, कब 18वीं शताब्दी में। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वॉज द वैष्णवाइट ट्रेडिशन, और जो कांगड़ा जो आर्टिस्ट थे इनका सोर्स क्या था, अपना मतलब जो मिनिएचर पेंटिंग है उसमें उस स्टाइल में अपना स्टाइल लाने का उनका सोर्स क्या था, वैष्णवाइट सोर्स था। वैष्णवाइट जो ट्रेडिशन चल रहा था विष्णु भगवान का लेकर, उसका वही जो सोर्स था जिसकी वजह से इन्होंने मिनिएचर पेंटिंग में बहुत सारे बदलाव करे। ठीक है, सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग कूल ब्लू ग्रीन्स लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश कांगड़ा पेंटिंग। तो दोस्तों जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग था इसमें कूल ब्लू कलर का इस्तेमाल होता था, ग्रीन कलर का इस्तेमाल होता था, इसके अलावा लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश कांगड़ा पेंटिंग। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है कांगड़ा पेंटिंग, आप देख सकते हैं ये कृष्ण भगवान, मैंने बताया ना जो कांगड़ा स्कूल था वैष्णवाइट की वजह से जो है इसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे इस पेंटिंग में, मिनिएचर पेंटिंग में। ये वैष्णवाइट की जो है मतलब विष्णु के जो अवतार थे उनके ज्यादातर पेंटिंग्स बनाते थे। ठीक है, ऑर्डिनरी वुमेन एंड मैन पेंटेड एज वेल। तो दोस्तों जो ये मिनिएचर पेंटिंग थी इसको आम औरतें और आदमी भी पेंट करते थे, लेकिन ये आम आदमी और औरतें किस पे पेंट करते थे, जो मिनिएचर पेंटिंग है इसको पोर्च पे पेंट करते थे, वॉल्स पर, फ्लोर्स पे, क्लोथ आदि पर पेंट करते थे दोस्तों। ठीक है, आपको पता है जो आम इंसान और औरतें पेंट करती थी ये दोस्तों जो पेंटिंग है वो सर्वाइव नहीं कर पाती थी, कभी कभार सर्वाइव कर जाती थी, लेकिन जो मिनिएचर पेंटिंग जो कि राजाओं के दरबार वगैरह में करी जाती थी वो प्रिजर्व हुई, वो बचा के रखी गई दोस्तों, क्योंकि राजा के दरबार में बनाई गई थी इसलिए उसको संभाल कर रखा जाता था, लेकिन जो ऑर्डिनरी मैन पेंटिंग बनाता था वो काफी बार बच नहीं पाती थी, कभी कभार तो बच जाती थी लेकिन काफी बार बच नहीं पाती थी। अब समझते हैं दोस्तों बंगाल के बारे में, थोड़ा बंगाल का कल्चर भी जानते हैं। द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, तो दोस्तों बंगाल में क्या समझेंगे, बंगाली लैंग्वेज के बारे में समझेंगे, क्योंकि लैंग्वेज भी मैंने बताया कल्चर का ही पार्ट है। फ्रॉम फोर्थ थर्ड सेंचुरी बीसी कमर्शियल टाइज बिगिन टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगधा। हमने पढ़ा था दोस्तों जब मगधा रूल आया था बिहार में, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, तो फोर्थ से थर्ड सेंचुरी के टाइम पर ही दोस्तों मगधा का रूल आ रहा था, which may have led to the growing influence in Sanskrit. तो दोस्तों बाद में जो है बंगाल का जो इलाका है यहाँ पे संस्कृत का दबदबा होने लगा था मगधा के मगधा एम्पायर की वजह से। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग फोर्थ सेंचुरी द गुप्ता रूलर्स एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल। लेकिन फोर्थ सेंचुरी का जब समय आया तो गुप्ता वंश आया, रूल गुप्ता वंश का रूल आया, और गुप्ता वंश कहाँ रूल करते थे, यही बंगाल वगैरह में। इन्होंने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल करा कहाँ पे, नॉर्थ बंगाल के ऊपर, और ये लोग जो है सेटल होने लगे कहाँ पे, ब्रह्मानास इन दिस एरिया। और ये लोग जो है ब्रह्मानास जो ब्राह्मण्स हैं, सॉरी ब्रह्मानास बोल रहा हूँ, ब्राह्मण्स टू इन दिस एरिया, और ये लोग जो है ब्राह्मण्स लोगों को इस जगह पे बसाने लगे कहाँ पे, नॉर्थ बंगाल में। ठीक है, हुआ क्या दोस्तों, दस द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मिड गंगा वैली बिकेम स्ट्रॉन्गर। तो धीरे धीरे हुआ क्या, जो भाषा गंगा वाले इलाके में बोली जाती थी अब वो भाषा जो है यहाँ बंगाल में भी बोली जाने लगी, क्योंकि भाई गुप्ता लोगों ने जो है वहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं जो संस्कृत वगैरह बोलते थे और वहाँ की भाषा बोलते थे गंगा वगैरह की, गंगा के इलाके की, अब वो लोग जो है यहाँ बंगाल की तरफ बसने लगे, नॉर्थ बंगाल की तरफ, तो भाई अपनी भाषा यहाँ पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो वही बोल रहा है यहाँ पे जो वहाँ की जो भाषा है मिड गंगा वैली की वो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होने लगी। इन द 17th सेंचुरी चाइनीज ट्रेवलर जुआनजांग, याद रखिए दोस्तों 7th सेंचुरी में दोस्तों चाइनीज ट्रेवलर आया जिसका नाम था जुआनजांग। इसने ऑब्जर्व करा दैट लैंग्वेजेस रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज ऑल ओवर बंगाल। तो इसने देखा कि भाई जो लैंग्वेजेस हैं जो कि संस्कृत से रिलेटेड हैं वो की इस्तेमाल में है कहाँ पे, पूरे बंगाल के इलाके में, इसने हमें बताया है। तो हमें पता चलता है कि भाई जो संस्कृत की जो भाषा है, संस्कृत की रिलेटेड जो भाषा है वो पूरे बंगाल में बोली जाती थी, इसी के अकाउंट से पता चलता है 7वीं शताब्दी में। और 8वीं शताब्दी तक आते आते दोस्तों बंगाल जो है बन गया था सेंटर किस चीज का, रीजनल किंगडम का अंडर द पालास, है ना, याद रखिए फिर से बोल देता हूँ, फ्रॉम द 8th सेंचुरी बंगाल बिकेम द सेंटर ऑफ अ रीजनल किंगडम अंडर द पाला। हमने पाला वंश के बारे में पढ़ा था दोस्तों जिसमें धर्मपाल, गोपाल ये सारे वंश ये राजा आए थे दोस्तों। ठीक है, बिटवीन 14th एंड 16th सेंचुरी बंगाल वॉज रूल्ड बाय सुल्तान्स हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स इन दिल्ली। याद रखिये आपको पता है 14th से 15th सेंचुरी में मुगल जो है रूल कर रहे थे, लेकिन मुगल वंश के अंदर ही भी, मुगल साम्राज्य के अंदर भी जो छोटे छोटे सुल्तान थे वो इंडिपेंडेंट तरीके से रूल कर रहे थे दोस्तों दिल्ली के अंतर्गत ही कहाँ पे, बंगाल में, है ना, बंगाल में भी तो भाई इंडिपेंडेंट रूलर होगा, भले ही जहांगीर या शाहजहां या अकबर ले लीजिए ये दिल्ली पे बैठे हैं, लेकिन
दिल्ली के अंदर बैठकर ही दोस्तों छोटे छोटे राज्यों में भी तो छोटे छोटे सुल्तान रूल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था। In 1586, when Akbar conquered Bengal, it formed the nucleus of Bengal Subah. तो दोस्तों जब अकबर ने 1586 में बंगाल को जीता तो इसने बंगाल का ही एक सूबा बना दिया और बंगाल में ही एक सुल्तान बैठा दिया कि आप यहाँ का देखो, ठीक है। While Persian was the language of administrator, है ना, जो मुगल वंश की जो एडमिनिस्ट्रेटर की एडमिनिस्ट्रेशन की जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, लेकिन जो बंगाल में जो है, बंगाल में जो सुल्तान रूल करता था उसने डेवलप करी क्या, बंगाली, यानी बंगाल में जो भी काम काज होगा वो बंगाली भाषा में ही होगा, ठीक है। तो बंगाली जो है एक रीजनल लैंग्वेज में उभर कर आई। इनफैक्ट बाय द 15th सेंचुरी द बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स केम टू बी यूनाइटेड बाय कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन नाउ नोन एज वेस्ट बंगाल। तो धीरे धीरे हुआ क्या दोस्तों, 15th सेंचुरी तक आते आते बंगाली ग्रुप के जो डायलेक्ट थे दोस्तों, जो भी लोग बंगाली बोलते थे दोस्तों, ये केम टू बी यूनाइटेड बाय कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज। तो ये तो दोस्तों ये जो बंगाली लैंग्वेज है इसी के जरिए जो यहाँ के लोग हैं वो काफी यूनाइटेड हो गए, जिसको आज वेस्ट बंगाल के रूप में भी बुलाया जाता है। वेस्ट बंगाल नाम ही क्यों पड़ा दोस्तों, आपने कभी सोचा है बांग्लादेश वेस्ट बंगाल नाम क्यों पड़ा? ये लोग यूनाइटेड है, इकट्ठा है, किसकी वजह से, लैंग्वेज की वजह से इकट्ठा है। भले इनका धर्म जो है, जाति जो है वो भले अलग अलग हो, लेकिन एक चीज ने वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश को जोड़ रखा है, वो है लैंग्वेज, ठीक है। ऑल द बंगाली इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, संस्कृत इट पास थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। याद रखिए जो बंगाली जो भाषा है संस्कृत भाषा इससे ही निकली है, मैंने बताया ना जो गंगा वगैरह के क्षेत्र से लोग यहाँ पर आए, संस्कृत डेवलप करने लगे, संस्कृत डेवलप होने लगी, लेकिन यहाँ पे जो एक रीजनल लैंग्वेज भी बोली जाती थी तो काफी जो है संस्कृत का भी इन्फ्लुएंस रहा है। तो कहने का मतलब यह है, याद रखिए बंगाली जो है संस्कृत भाषा से ही निकली है, लेकिन बंगाली में भी बहुत सारा इवोल्यूशन आता रहा है, बंगाली जो है एक तरीके के खुद की ही अलग भाषा निकलकर आई धीरे धीरे, ठीक है। अ वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृतिक वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेस इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेजेस पर्शियन यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो दोस्तों बंगाली के बहुत सारे जो शब्द हैं ट्राइबल भाषा से लिए गए हैं, पर्शियन भाषा से लिए गए हैं, यूरोपियन भाषा से लिए गए हैं, क्योंकि भाई ये सारे लोग जो है बंगाल पे रूल कर रहा था, पर्शियन ने भी, पर्शियन इन द सेंस मुगल की बात कर रहा हूँ, मुगल जो है वो पर्शियन भाषा का इस्तेमाल करते थे, ट्राइबल लोग यहाँ पे रहते थे, उनकी भाषा के भी बहुत सारे शब्द हैं बंगाली में, और यूरोपियन लैंग्वेजेस है ना, यूरोपियन यानी अंग्रेज वगैरह इन लोग जो है, तो इन लोगों के बहुत सारे शब्द भी जो है बंगाली भाषा में हैं। अर्ली बंगाली लिटरेचर में भी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। अगर हम अर्ली बंगाली लिटरेचर को डिवाइड करना चाहें तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक जो है वन इंडेप्टेड टू संस्कृत, एक जो है संस्कृत से ली गई है, मतलब है ना, याद रखिए संस्कृत का लिटरेचर है एक, सॉरी संस्कृत का बोल रहा हूँ, सॉरी बंगाली का जो लिटरेचर है एक तो संस्कृत से लिया गया है, किससे, संस्कृत से, और दूसरा जो है अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट, और दूसरी जो हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है बंगाली की जो लिटरेचर, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, एक तो है संस्कृत का इन्फ्लुएंस है बंगाली के ऊपर, और एक जो है शुरुआत में बंगाली जो है इंडिपेंडेंट है, किससे, संस्कृत से, बहुत ही इंडिपेंडेंट थी। द फर्स्ट इंक्लूड ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृतिक एपिक द मंगला काव्यास लिटरली ऑस्पिशियस पोएम्स डीलिंग विद लोकल डायटीज एंड भक्ति लिटरेचर सच एज बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देव द लीडर ऑफ द वैष्णवाइट भक्ति मूवमेंट, चैप्टर 8 में हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो दोस्तों पहला जो इंक्लूड करता है जिसमें संस्कृत का इंडेप्टेड है ये बंगाली लैंग्वेज, इसमें दोस्तों बहुत सारी जो एपिक्स आती हैं, जैसे कि मंगल काव्यास जिसका मतलब होता है लिटरी ऑस्पिशियस पोयम, है ना, शुभ पोयम जो होती है, ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ पोयम, जो कि डील करती है लोकल डायटीज से। ये दोस्तों क्या कहते हैं, ये फर्स्ट इंक्लूड ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक्स। तो दोस्तों याद रखिए जो बंगाली में बहुत सारी जो ट्रांसलेशन है संस्कृत एपिक्स की करी गई है, याद रखिए, फिर से बोल देता हूँ, बंगाली भाषा में बहुत सारे संस्कृत एपिक का ट्रांसलेशन करा गया जिनमें ये सब आती हैं, मंगल काव्यास आता है, भक्ति लिटरेचर आती है, बायोग्राफीज आती हैं, जैसे कि चैतन्य देव प्रभु ये भक्ति मूवमेंट के बहुत ही बड़े लीडर थे जो वैष्णवाइज को मानते थे, विष्णु को मानते थे दोस्तों। तो इन सब का जो है ट्रांसलेशन करा गया किसमें, बंगाली भाषा में, ठीक है। सेकेंड इंक्लूड नाथ लिटरेचर सच एज सॉन्ग ऑफ म्यानमती एंड गोपी चंद्र स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्मा ठाकुर एंड फेरी टेल्स फोक टेल्स एंड बलॉड्स। तो दूसरा जो होता है इसमें इंक्लूड करा क्या जाता है दोस्तों, नाथ लिटरेचर जो कि सच एज सॉन्ग ऑफ मान्यवती म्यानमती एंड गोपी चंद्र स्टोरीज कंसर्निंग वर्शिप ऑफ धर्मा, ठीक है, इन सब की चीजें इंक्लूड करी जाती है किसमें, सेकंड में, और ये जो है पूरा का पूरा सेकंड वाले में इन्फ्लुएंस रहा है बंगाली भाषा का ही, ठीक है। द टेक्स्ट बिलोंगिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी आर इजियर टू डेट, है ना,
जो फर्स्ट कैटेगरी के जो टेक्स्ट हैं इनको पहचानना आसान है कि ये कब लिखे गए हैं दोस्तों, ठीक है। As several manuscripts have been found indicating that they were composed between the late 15th and mid 18th century. तो हमें ऐसे सबूत मिले हैं जो पहली भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत एपिक के जो ट्रांसलेशन है वो 15 से लेके जो दोस्तों लेट 15 से लेके मिड 18th सेंचुरी में लिखे गए हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा है तो इसके वजह से हमें पता चल जाता है और मतलब अच्छे तरीके से लिखे जाते थे, क्योंकि आपको पता है संस्कृत भाषा को उस टाइम पे ज्यादा क्या कहते हैं महत्व दिया जाता था ब्राह्मण वगैरह लोगों द्वारा, ठीक है। Those belonging to the second category circulated orally, है ना, जो second category की जो poems हैं, है ना, जो भी stories वगैरह हैं, ये orally circulate होती थी, मतलब बोल बोल कर लोग जो है सुनाते रहते थे एक दूसरे को, तो उसके जरिए circulate होती रहती थी। And cannot be precisely dated, और इनको अच्छे से हम पता नहीं कर सकते कि भाई कब डेट में लिखी गई थी, कौन सी तारीख है, क्या कब लिखी गई थी। They were particularly popular in eastern Bengal. ये जो ज्यादातर हैं जो orally वाली story हैं, ये eastern Bengal में famous थी। Where the influence of Brahmins was रिलेटिवली वीक, याद रखिए यहाँ पर जो ब्राह्मण्स का दबदबा है वो काफी वीक था, इसीलिए दोस्तों ईस्टर्न बंगाल में ये वाली जो स्टोरीज है डेवलप हुई। मैंने पढ़ाया था ना अभी, नॉर्थ इंडिया में ये ब्राह्मण्स वगैरह आके सेटल हो गए थे, पालास ने सेटल कर दिए थे। अब समझते हैं पीर्स और टेम्पल्स के बारे में। पीर सिंपल सा भाषा में समझ लीजिए, साधु कह लीजिए, है ना, हम साधु कह लेते हैं, बाबा कह लेते हैं। तो 16वीं शताब्दी से लेके दोस्तों पीपल जो है 16वीं शताब्दी में पीपल जो है माइग्रेट करने लगे बहुत ही लार्ज नंबर में। कहां से दोस्तों? लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल से लेके, ये लेस फर्टाइल जो इलाका था वेस्टर्न बंगाल में, यहां से दोस्तों लोग उठकर आने लगे और कहां जाने लगे? फॉरेस्टेड एंड मार्शी ऑफ द साउथ ईस्टर्न बंगाल, ये दोस्तों साउथ ईस्टर्न बंगाल में आकर बसने लगे। जो लोग, फिर से बोलता हूँ, वेस्टर्न बंगाल में बसे हुए थे क्योंकि वहां पे जो जमीन थी वो इतनी उपजाऊ नहीं थी, तो इसलिए लोग वहां से उठ उठ कर आकर साउथ ईस्टर्न बंगाल में बसने लगे। अब साउथ ईस्टर्न बंगाल में आकर बसने लगे तो यहाँ पे पेड़ वगैरह काटने लगे और धीरे धीरे बसने लगे, ठीक है। विद मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल द कैपिटल शिफ्टेड टू ढाका, तो दोस्तों जब मुगल साम्राज्य का साम्राज्य ने दोस्तों बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो इन्होंने बंगाल की जो कैपिटल है उसको कहां शिफ्ट कर दिया था? ढाका में शिफ्ट कर दिया था। कहां पे दोस्तों? ढाका। आपको पता है ढाका जो है बांग्लादेश की आज राजधानी है। ऑफिशियल्स रिसीव लैंड ग्रांट्स, मॉस्क वर सेट अप, तो दोस्तों जब ढाका जो कैपिटल बनाई गई तो मुगल साम्राज्य ने, मुगल के राजाओं ने लोगों को है जमीन जो है देने लगे। किसके लिए देने लगे? ताकि जो है मस्जिद वगैरह बनाई जाने लगी, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, जब मुगल साम्राज्य का रूल आया तो इन लोगों ने बहुत सारी जो जमीन है ढाका वगैरह इलाके में लोगों को दी जाने लगी ताकि मस्जिद आप बनाओ, ठीक है। द अर्ली सेटलर्स गॉट हेल्प फ्रॉम द टीचर्स कॉल्ड पीर्स, तो दोस्तों जो शुरुआत के जो सेटलर्स थे जो यहाँ पर आके बसने लगे साउथ ईस्टर्न बंगाल में, इन लोगों को मदद करी किसने? टीचर्स ने। टीचर्स को क्या बुलाया जाता है दोस्तों? पीर्स बुलाया जाता है, ठीक है। मैं वहां पे बाबा बोल रहा था, बाबा भी वैसे ठीक वर्ड है दोस्तों। तो टीचर्स की मदद मिली ये मॉस्क वगैरह सेटअप करने में। दे इंक्लूडेड सेंट्स, सूफीज एंड प्रोमिनेंट रिलीजियस पर्सनैलिटीज, तो दोस्तों पीर में दोस्तों बहुत सारे लोग आते हैं, सेंट्स भी आते हैं, सूफीज भी आते हैं, और जो भी रिलीजियस पर्सनैलिटीज हैं ये लोग आने लगे और बंगाल वाले इलाके में, साउथ ईस्टर्न बंगाल में बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे जो पीर क्या कहते हैं मॉस्क वगैरह बनाने लग गए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, ये टेम्पल है, ये देख सकते हैं मॉस्क वगैरह है, ठीक है, शुरुआत में ऐसे बनाए जाते थे। अब समझते हैं वेस्ट बंगाल में फिश और फिश एज फूड, तो दोस्तों कैसे वेस्ट बंगाल की सॉरी बात कर रहा हूँ, पूरा उस टाइम पे बंगाल मान लीजिए, बांग्लादेश भी इंक्लूड कर लीजिए, तो बांग्लादेश में फिश जो है एक फूड के रूप में बहुत ही ज्यादा कैसे पॉपुलर हुआ। बंगालीज हैड फिश एज फूड, आपको पता है बंगाल में आज भी दोस्तों फिश जो है बहुत ही फेमस फूड है, ठीक है। पॉपुलैरिटी ऑफ फिश मेड इवन बंगाल ब्राह्मिन्स ईट फिश, तो दोस्तों आपको पता है ब्राह्मिन लोग जो है जो मीट मच्छी या नॉन वेजिटेरियन फूड कह लीजिए वो नहीं खाते हैं, लेकिन बंगाल की जो फिश थी इतनी टेस्टी वगैरह थी या इतनी पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ गई थी कि जो ब्राह्मण है यहाँ के लोग वो भी जो है फिश खाने लगे। ब्राह्मण्स वर नॉट अलाउड, यही लिखा है दोस्तों, ब्राह्मण जो है अलाउड नहीं थे टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, बट द पॉपुलैरिटी, यहाँ देखिए ना, पॉपुलैरिटी ऑफ फिश इन द लोकल डाइट मेड द ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज रिलैक्स दिस प्रोहिबिशन फॉर बंगाल ब्राह्मण्स, तो दोस्तों पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी यहाँ की फिश की कि जो है ब्राह्मण्स लोगों ने अपने जो रूल्स है उनको रिलैक्स कर लिया, बोला कि हाँ हाँ भाई हम भी खा लेंगे फिश, ठीक है। द बृहद्धर्मा पुराना अ 13th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट फ्रॉम बंगाल परमिटेड द लोकल ब्राह्मण्स टू ईट सर्टेन वैरायटीज ऑफ फिश, है ना, तो 13th सेंचुरी का जो है एक टेक्स्ट है जिसका नाम है बृहद्धर्मा पुराना, इस टेक्स्ट में अलाउ कर दिया ब्राह्मण्स को ताकि ये लोग जो है वैरायटी ऑफ फिश को
खा सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मोटी बनी हुई है, ये औरत जो है फिश को काट रही है। और दोस्तों याद रखिए, फिश जो है ये भी, यानी फूड जो है, फूड भी मैंने बताया ना कल्चर का ही पार्ट है। तो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल फिर से निकल रहा है मुझसे दोस्तों, याद रखिए बंगाल में कैसे बंगाली लैंग्वेज का जन्म हुआ और कैसे यहाँ पे फिश जो है एक तरीके के फूड जो है निकल कर आया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।